मैं शेफाली कुक्कड़ फाइटर समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त जो समाचार आ रहा है वो है हरियाणा के हिसार से, जहाँ सतलोक आश्रम के संत रामपाल को हत्या के दोनों मामलों में कोर्ट ने दोषी मान लिया है। हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में करीब 4 वर्ष पहले 5 महिलाओं और 1.5 साल के बच्चों की मौत के 2 मामलों में आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में आश्रम के संचालक रामपाल सहित अन्य आरोपी हैं। इसमें से 6 लोग दोनों केस में शामिल है। केस नंबर 229 में 15 आरोपी हैं, वहीं केस नंबर 430 में 13 आरोपी हैं। दोनों केसों की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज सेंट्रल जेल में कोर्ट लगा। इस कोर्ट के चारों ओर 3 किलोमीटर का पुलिस सुरक्षा घेरा बनाया गया। इस दायरे में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया। रामपाल के समर्थकों द्वारा सजा सुनाने के पश्चात किसी तरह की कोई हिंसा ना फैले, इसके लिए पुलिस व प्रशासन के 48 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां, 2000 पुलिस के जवान व 12 पुलिस कप्तान सुरक्षा के लिए तैनात रहे। कल हिसार में धारा 144 लगा दी गई थी तथा हिसार से गुजरने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। सुरक्षा के चलते सभी सीमाएं सील कर दी गई। प्रशासन को अंदेशा था कि सुनवाई के दौरान श्रद्धालु कोर्ट परिसर, सेंट्रल जेल, लघु सचिवालय, टाउन पार्क और रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर एकत्रित हो सकते हैं। पंचकुला की कोर्ट में सिरसा सच्चा सौदा डेरा के गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने के बाद भड़की हिंसा से सबक लेते हुए प्रशासन ने पहले ही पूरे इंतजाम कर लिए थे। गौरतलब है कि इससे पूर्व हरियाणा के सिरसा स्थित सच्चा सौदा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को साधियों से दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। आज हरियाणा के दूसरे बड़े मामले में आश्रम के रामपाल को हत्या, देशद्रोह, साजिश के आरोप में कोर्ट ने दोषी मान लिया। समाचार लिखे जाने तक कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। संभावना है कि जिस प्रकार से संगीन मामले हैं उसके अनुसार कोर्ट द्वारा रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।